हुए, और आपको हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा दें कि जनसंपर्क के दौरान किस तरह का माहौल देखने को मिला है। स्वाति वीरा के साथ साथ सड़कों पर जनसैलाब देखने को मिला, और बिजनौर से खबर सामने आई है जहां पर नगर पालिका से प्रत्याशी हैं स्वाति वीरा, जो चुनाव से पहले जनता का मन जीतने के लिए धुआंधार प्रचार में जुटी है। और निकाय चुनाव को लेकर सियासी अखाड़े में हर राजनीतिक दल अपने दाव लगाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान पार्टी के सभी प्रत्याशी भी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कानपुर देहात के एक शिक्षक ने बतौर मतदाता प्रत्याशियों के लिए 8 सूत्रीय शर्त तैयार की है। यहां आपको बता दें कि इन 8 सूत्रीय शर्तों की लक्ष्मण रेखा प्रत्याशियों के लिए खींची गई है और कहा गया है कि जो इन्हें पूरा करेगा उसे मतदान मिलेगा। दरअसल एक मतदाता ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जब प्रत्याशियों को शिक्षित होने के साथ साथ राष्ट्रगान भी याद करना पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा। खबर अब है रायबरेली से, जहां भाजपा सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह पर हुई एफआईआर के मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोलमोल जवाब दिया है। उनका यह कहना है कि एफआईआर के बाद विवेचना करने वाली अथॉरिटी अपना काम करती है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। और हम बता दें कि केशव मौर्य रायबरेली में नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी शालिनी कन्नौजिया के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। मौर्य इस दौरान मौर्य समाज बहुल्य बस्तेपुर में आयोजित किए गए एक सभा के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पूरे प्रदेश समेत रायबरेली में भी कमल खिलने जा रहा है। हम रायबरेली नगर पालिका भी भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं और यहाँ जनता के आशीर्वाद से शालिनी कन्नौजिया जी जीतेंगी और जो विकास का कार्य अधूरा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और यह मुझे विश्वास है कि भारी मतदान होगा और 13 मई को जो मैं एक नारा हल्के लगा रहा हूँ, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, यह जनता के आशीर्वाद से सफल होगा और भाजपा वोट। रायबरेली में अमृत योजना के तहत पड़ रही सीवर लाइन आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सीवर लाइन पड़ने के बाद उस जगह बन रही सड़क पर जगह जगह से क्षतिग्रस्त सड़क हो रही है, और आपको बता दें कि सड़क धसने की खबर भी सामने आई है। ताजा मामला है आईटीआई रोड का, जहां पर सीवर लाइन पड़ने के बाद 1.5 महीने पहले बनी सड़क के धसने से टाइल्स लदा एक ट्रैक्टर, 3-व्हीलर जो ट्रैक्टर है, ऑटो पर पलट गया है। और गनीमत यह रही कि ऑटो पर सवारियां नहीं बैठी थी, 3-व्हीलर चालक बाल बाल बच गया है। अमृत योजना के तहत शहर में दरअसल सीवर लाइन डाली जा रही है, लेकिन इस दौरान हादसों की संख्या बढ़ रही है। अरे हम बगल से सब निकल रहे थे और रोड का उसका ट्रैक्टर का पहिया जो है धस गया, हमारी बगल में गाड़ी थी, पूरी टाली पलट गई, ये रोड गड़बड़ थी। और उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट करते हुए बताया था कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और अब इसे लेकर एक नई जानकारी सामने आई है, जहां अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसे अफवाह बता दिया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि 22 जनवरी 2024 की तारीख एक अफवाह है और ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। आप लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। 22 तारीख जो अखबार में मीडिया में चली है वो आप ही लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाह है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास। जनता के लिए संदेश है, जनता सुखी रहे, उनके परिवार सुखी रहे, अयोध्या आए, भगवान के दर्शन करें, रामलला के दर्शन करें, नए बनने वाले मंदिर का दर्शन करें।
और दतिया के सेवड़ा जेल की जेलर मंजू कुजर के पति का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें जेलर का पति बेरोक टोक घूमता हुआ दिख रहा है। वो जेल के अंदर और बाहर जा रहा है और जेल के अंदर जो बैरक है उसमें आसानी के साथ आता जाता दिख रहा है। आपको बता दें कि जेल कर्मियों ने हाल ही में जेलर और उनके पति की जेल में अवैध वसूली की जेल डीजी को शिकायत भेजी है और एक दर्जन जेल कर्मियों ने जेलर की जेल मंत्री और जेल डीजी को लिखित में शिकायत सौंप दी है और जेलर के पति के द्वारा कैदियों से अवैध वसूली की घटना का खुलासा किया गया। और नानाखेड़ा थाना में आपको बता दें कि नवाखेड़ा गांव में कमलाबाई नाम की महिला और कविता सोलंकी नाम की बच्ची के ऊपर बारिश के दौरान बिजली गिर गई है, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में निजी अस्पताल में दोनों को भर्ती करवाया गया और डॉक्टरों ने कमलाबाई को मृत घोषित कर दिया है, जबकि बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चे को आईसीयू में भर्ती किया गया है जहाँ उसका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया है। अपनी पहली रैली के बाद वो पहुंचे हैं जहां पर आपको बता दें कि हुमनाबाद में रैली की गई और उन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बीजेपी 8 दशकों तक सेवा करने वाले साथी शाह रशीद अहमद कादरी को पद्म पुरस्कार मिला, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें सिर्फ हताशा दी थी, निराशा दी थी। भाइयों और बहनों, बीदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तीर्थ स्थली है। गोराटा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। गोराटा में किसानों के बलिदान को कांग्रेस ने भुला दिया था, सिर्फ इस डर से कि कहीं कांग्रेस का वोट बैंक नाराज ना हो जाए। वहां जो शहीदों का स्मारक पत्थर था, उससे भी जो धूल सफाई का काम ये भी बीजेपी ने किया। भाइयों, अब तो दर्जनों बलिदानियों को समर्पित शहीद स्मारक वहां बन गया है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। साथियों, अस्थिर सरकार, जोड़ तोड़ से बनी सरकार के दुष्परिणाम कर्नाटका ने बहुत भुगते हैं। एक अस्थिर सरकार का फोकस लोगों की सेवा पर नहीं होता है। आपको याद होगा कि कांग्रेस जेडीएस सरकार के मुखिया ने माना था कि वो कांग्रेस की दया पर चल रहे हैं। जेडीएस की जवाबदेही कांग्रेस के प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति नहीं है। ये जो उनका सत्ता प्रेम है, ये जो उनका कुर्सी गंवाने का डर है, ये उन्हें आपके लिए कुछ करने नहीं देगा। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं
अभी इतनी गालियां हो गई 91 और उनके टॉप मोस्ट नेता देते हैं, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। अर्थात मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा, कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी, कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को दिया, जो उन्होंने भी सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब भी सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा, दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखे, आप जितना ज्यादा कीचड़ उठाओगे कलम कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मुझे कर्नाटक की सेवा करने से रुकना नहीं है और ज्यादा सेवा करनी है, पूरी दिल्ली को आपकी सेवा के लिए मुझे लगाना है। इस बार फिर एक बार कर्नाटक को तेज विकास के लिए पूर्ण बहुमत की, ये मेरे शब्द याद रखिए, पूर्ण बहुमत की स्थायी। और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी पहलवानों के आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहां पर संजय राउत का यह कहना है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पहलवान आंदोलन पर बैठे हैं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। बेरोजगारी, महागाई, राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलवामा, या विषयावर प्रचार चालला आहे ना प्रधानमंत्र्यांना माझी सांगणं आहे भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना। आणि साप हे हिंदुत्वाचं प्रतीक आहे, पूजा करतो आम्ही नागाची आणि सापाची, तर तुम्हाला साप म्हटल्याबद्दल एवढा दंख लागण्याचं कारण नाही, स्पष्ट म्हटलं आहे। अशी आहे की दिल्ली के जंतर मंतर पर जो रेसलर्स बैठे हैं आंदोलन के, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देगा उसके ऊपर सरकार को काम करना है।
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी है। इस बीच साक्षी मलिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण खुद का जो फेडरेशन चला रहे हैं और साक्षी प्रियंका गांधी की जंतर मंतर पर पहलवानों से मुलाकात पर भी बोली। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुनिए। और डैडी बार बार मेंशन कर रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रही खिलाड़ियों को अब बाकी खिलाड़ियों और राजनेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। बता दें आपको कि पहलवानों के समर्थन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर धरने में शामिल होने पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहलवानों के साथ धरने में शामिल होकर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में लिखा जाएगा कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ और सरकार ने खिलाड़ियों की बात को अनदेखा करते हुए उनकी गुहार को भी अनसुना कर दिया है। यह अन्याय सभी देशवासियों के साथ किया जा रहा है। और ये वो बेटियां हैं, इन बेटियों ने देश के गौरव को बढ़ाया है। ऐसी सात हमारी बेटी, ऐसी हमारी सात बहनें देश की ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों की अगर सबसे ज्यादा मेडल देश की झोली में किसी ने भरना काम किया तो इन खिलाड़ियों ने किया। देश के 80% ओलंपिक मेडल यहाँ बैठे धरने पे, और उनके कहने से भी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर इतने मुकदमों की लिस्ट हो, उन और दो ओलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट ने भी इनके पक्ष में एक आया, तो यानी कि क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, सरकार बताए। सर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और थोड़ी देर में सारे जो भी हो रहा है। देखिए अपने दोषों को और अपने अपराधों को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। ना सिर्फ वो बात बिल्कुल निराधार है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कोई रेसलिंग फेडरेशन में मेरा कोई इरादा भी नहीं, और केवल अपने दोषों को झूठ से छुपाकर अगर वो ये सोचेंगे कि हम इन झूठों से डर जाएंगे और अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, अपनी बहनों का साथ नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं। और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भी पार्टी के लिए प्रचार अभियान तेज किया है और सपा नेता ने प्रचार अभियान के दौरान कई विवादित बयान दिए हैं। इस दौरान उनका एक बयान जो सुर्खियों में रहा वो ये कि जब उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो मुझसे, मेरे बेटे और बीवी से, कोई इतना ही बचा है कि कोई आए और कनपट्टी पर गोली मारकर चला जाए। मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है, बचा लो आज भी निजामे हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ, जो आगे बढ़ेंगे वापस नहीं जाएंगे, वोट डालेंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है। और तीसरी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।